ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के रेणुका दौरे को लेकर रेणुका बांध प्रबंधन हरकत में आ गया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ददाहू में रेणुका बांध स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने बांध के शिलान्यास से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि उपचुनाव के मद्देनजर लगी चुनाव आचार संहिता के खत्म होने के बाद विस्थापितों और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को बैठक के लिए शिमला बुलाया जाएगा ताकि उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। उनको कहा कि रेणुका जी बांध परियोजना में स्थानीय लोगों का प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिले, इसके लिए वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात करेंगे। आप जो व्यक्ति आपसे पूछे, पारदर्शिता होनी चाहिए। आप एक अधिकारी रखिए, कर्मचारी रखिए, उसकी ड्यूटी लगाइए आप। अब उसको हर एक बात की इन्फॉर्मेशन आरटीआई के माध्यम से नहीं मिलनी चाहिए, उसका हक बनता है। आपने उसको क्लेम दिया, जमीन का क्लेम दिया, उसमें कितने पेड़ थे उसका कितना क्लेम उसको मिला, ये उस व्यक्ति को आप साफ साफ बताइए ताकि उसके दिल में कोई शक की गुंजाइश हमारे प्रति, सरकार के प्रति, इस डिपार्टमेंट के प्रति ना रहे। होता क्या, कई बार हम वो चीज़ बताते नहीं, संशय पैदा हो जाता है दिमाग में और वो संशय आगे आगे बढ़ता, बहुत बड़ी भयानक बीमारी का रूप धारण कर। तो इस चीज़ को ख़त्म कई लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमें यही पता नहीं क्लेम किस चीज़ का मिल रहा है, जमीन का मिल रहा है, पेड़ों का मिल रहा है, किस चीज़ का क्लेम मिल रहा है। तो ये सारी बातें मैं आपसे स्पष्ट तौर पे कहता हूँ।